हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हां दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 3B। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मेरा ये एडवाइस है कि आप 3A डिमांड एनालिसिस एक बार जरूर रिवाइज कर लें। 3A डिमांड एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिमांड एनालिसिस को एक बार रिवाइज कर लें, एक बार समझ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड एनालिसिस इज एग्जैक्टली द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले डिमांड क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए 3A डिमांड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ईजीली। तो दोस्तों, क्या है एग्जैक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड नाम का एक आंसर, जिसने हमें बताया कि व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज और फॉल्स साइमल्टेनियसली इट हैज अ इफेक्ट ऑन द डिमांड आल्सो। हमने अल्फ्रेड मार्शल के लॉ में देखा HSLL, यानी हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर। जी हाँ दोस्तों, ये हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर से हमें ये समझ में आया कि जब price of a commodity is higher, the demand for it is smaller, and vice versa, when the price is lower, the demand for that commodity is larger. लेकिन कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि demand जो है ये smaller या larger या lower, इन शब्दों के बीच exactly कितना है। हमने कभी भी ये नहीं देखा law के माध्यम से कि exactly कितना बदलाव प्राइस के वजह से डिमांड में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, हमने डिमांड के अंदर ये जरूर पढ़ा कि देर इज एन इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्राइस और अदर फैक्टर्स, फिर वो इनकम हो, पॉपुलेशन हो, कई अलग अलग हमने चीज़ें देखी जिनका असर डिमांड पर पड़ता है। लेकिन हम ये कभी नहीं समझ पाए उस चैप्टर में कि बॉस कितना डिमांड पर असर पड़ता है। मतलब अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है 50% से, तो कितनी डिमांड में उसकी असर पड़ती है, हाउ मच चेंज डज डिमांड ऑब्जर्व्स। और यही कितना वाला फर्क जो है वो समझने के लिए चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड, विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले चैप्टर में, हम पढ़ चुके हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस का और डिमांड का, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट, कितना, कितने हद तक, क्या लिमिटेशंस हैं, कितना बदलता है डिमांड प्राइस के बदलने से या किसी और फैक्टर के बदलने से। दस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक थियोरेटिकल वे में हमें समझाता है कि बॉस इनवर्स रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो हमें क्वांटिटेटिव वाइज ये नहीं समझा पाता कि कितना बदलाव एग्जैक्टली आता है। देयरफॉर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, डिमांड तो हमने पता है, पिछले चैप्टर में हमने देखा डिमांड क्या है, तो डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या है एग्जैक्टली इलास्टिसिटी? द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। जी हाँ दोस्तों, सवाल का जवाब यही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, कैसा डिमांड रिस्पॉन्ड करता है, कितना डिमांड रिस्पॉन्ड करता है किसी भी दूसरे फैक्टर के चेंज होने पर, इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि हमने देखा प्राइस के साथ इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस नीचे जाता है तो डिमांड ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, और ये जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस है डिमांड का इन अटेंशन टुवर्ड्स प्राइस। और इसीलिए हमें इस चैप्टर में समझना है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस की डिग्री कितनी है, वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है।
elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. According to Professor Marshall, ये definition बहुत मजेदार है, जरा ध्यान से सुनिए. Elasticity of demand is great or small according to the amount demanded which rises much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. दोस्तों मैं जानता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर हम इसे तोड़ कर पढ़ें तो वंस अगेन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एक जो मूल सिद्धांत है हमारा इस चैप्टर का, वो हमेशा याद रखिए, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर. बस फिर इसको पढ़िए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल. इलास्टिसिटी इज ग्रेट और स्मॉल. इलास्टिसिटी इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड. According to the amount demanded which rises much or little. अब rises यानी बढ़ता है demand. Demand कब बढ़ता है? जब price fall होता है. और इसीलिए amount demanded which rises much or little for a given fall in price and vice versa, यानी quantity demanded falls much or little for a given rise in price. Thus, it is clear from the above definition that elasticity of demand is technical term which describes only and only responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in its price. In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in its price. तो इस प्रकार दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, डिमांड का कैसा है टू चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर्स. चलिए देखते हैं ये इलास्टिसिटी कितने प्रकार की है. जी हाँ दोस्तों, देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये क्वेश्चन पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है दोस्तों. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आंसर का नाम है पिक. आंसर का नाम है पिक. जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देर आर थ्री टाइप्स. आंसर का नाम पिक. पी फॉर प्राइस इलास्टिसिटी, आई फॉर इनकम इलास्टिसिटी एंड सी फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी. वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, हमने अभी अभी पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर्स. और उसी रिस्पॉन्सिवनेस के ये तीन टाइप्स PIC, प्राइस इनकम क्रॉस. प्राइस इनकम क्रॉस. लेट अस बिगिन विद पी फॉर प्राइस इलास्टिसिटी. जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस. जी हाँ दोस्तों, सिंपल है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप. याद रखिए कि जब जब एक छोटा सा बदलाव प्राइस में आता है तो एक छोटा सा बदलाव उसके डिमांड में जरूर आता है. अगर प्राइस जो है वो गिरता है तो डिमांड जो है बढ़ता है. प्राइस जो है बढ़ता है तो डिमांड जो है वो गिर जाता है. बस ये कितना गिरता है उसी को समझने के लिए है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इस डेफिनेशन में खास बात है द प्रोपोर्शनेट चेंज, अनुपातिक बदलाव. अनुपातिक बदलाव का मतलब होता है हाउ मच एग्जैक्टली इज द चेंज, और वी कैन से परसेंटेज चेंज. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस. बढ़ते हैं आगे. अगला पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जी हाँ दोस्तों, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस के वजह से होने वाला डिमांड का रिस्पॉन्स है, उसी तरह इनकम इलास्टिसिटी इनकम में होने वाले बदलाव की वजह से डिमांड का रिस्पॉन्स है. यानी इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम. ये जो हमने देखा है यही है डिमांड का रिस्पॉन्स इन रिटर्न टू द इनकम. इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ओनली, अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेनिंग अनचेंज्ड. यानी प्राइस और बाकी सारे फैक्टर अनचेंज्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से जब बदलाव देखा जाता है डिमांड में तो उस प्रोपोर्शनेट बदलाव को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. बढ़ते हैं आगे. हमारा तीसरा पॉइंट है सी फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड.
ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, कुछ ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड जॉइंटली की जाती है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव डिमांड वाले गुड्स। तो दोस्तों याद रखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से दूसरे कमोडिटी का डिमांड कम हो जाना, एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से दूसरे कमोडिटी का डिमांड कम हो जाना इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। तो इस प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखी जाती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों इन तीनों का कुछ सिंबॉलिकल फॉर्मूलाज के जरिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए बहुत जरूरी भी है। आइए देखते हैं सिंबॉलिकल एक्सप्रेशंस ऑफ पीआईसी, प्राइस इनकम एंड क्रॉस। आप देख सकते हैं ईडी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। Once again, I repeat, दोस्तों, ED is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. इसका मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों। पहले एक पेन की कीमत थी 10 रुपए और उसका डिमांड था 10 पीसेस, लेकिन जब पेन का प्राइस 10 से बढ़कर 12 रुपए हो गया तो डिमांड जाहिर है कम होने वाला है। डिमांड 10 से हो गया 8। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 रुपए बढ़े और यहाँ पे 2 पीसेस कम हो गई। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो बदलाव है यहाँ पर चेंज को डिवाइड करके हमें मिलने वाला है, कितने परसेंट डिमांड में चेंज आया और कितने परसेंट प्राइस में चेंज आया। जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी समझ आएगी। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी, EY, that is income, is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. यानी सिर्फ आप देख सकते हैं फॉर्मूला के अंदर नीचे जो प्राइस था उसकी जगह पे अब इनकम आ गया है, यानी जो इनकम में बदलाव आया उससे हम क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं C for cross elasticity, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, percentage change in quantity demanded of A, A की क्वांटिटी में जितना बदलाव आया वो, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब हमने अभी पढ़ा कि एक के प्राइस के चेंज की वजह से दूसरे के डिमांड पर असर पड़ना, यानी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और उसी के बारे में यहाँ बताएं, ए इज ओरिजिनल कमोडिटी, बी इज अदर कमोडिटी, तो ए की डिमांड पर असर पड़ा बिकॉज ऑफ बी का प्राइस। तो दोस्तों इस प्रकार प्राइस, इनकम और क्रॉस के कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर हैं, आसानी से आप इन्हें समझ सकते हैं। हालांकि हमें कोई सम्स या कैलकुलेशंस नहीं करने हैं पूरे एक्सरसाइज में, लेकिन सिंबॉलिकल एक्सप्रेशंस हमारी नॉलेज के लिए और इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत 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 एसेंशियल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। याद रखिए, व्हेन देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखिए, व्हेन बिकॉज ऑफ इनकम देयर इज अ चेंज इन डिमांड इट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्टली, व्हेन बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ए देयर इज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी बी इट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है पीआईसी, P for price elasticity, I for income elasticity and C for cross elasticity. तो हम अगले वीडियो में first one, that is P for price elasticity के types पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, do like, share and subscribe.